स्वागत है दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में। आज मैं जिस प्लांट को दिखा रही हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है नोलीना पाम। ये देखिए इसकी ब्यूटी है इसके कोडेक्स में, और इसके ये ऊपर फाउंटेन जैसे लीव्स में। इसको पोनीटेल पाम भी कहते हैं, शायद इसके ऊपर ये लग जैसे पोनी बनी हो, इस तरह से ये लग रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको और अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कोडेक्स। ये देखिए, और इसको मैंने एक कप में भी लगा रखा है। ये देखिए, इस प्लांट के लिए सॉइल कैसी चाहिए? सॉइल इस प्लांट के लिए कोई ख़ास नहीं, नॉर्मल सॉइल में भी ये चलता है प्लांट। और जिस तरह ये प्लांट बड़ा होता है तो आपको इसका पॉट चेंज करते रहना है। ये देखिए, ये मेरा एक प्लांट बड़ा हो गया था, मैंने इसको बड़े पॉट में चेंज कर दिया है। ये प्लांट इंडोर भी रह जाता है और आउटडोर भी रहता है। इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, क्योंकि ये पानी अपने इस कोडेक्स में स्टोर कर लेता है। ये देखिए दोस्तों, अब ये मैं आज एक पॉट रीप्लांट करने लगी थी प्लांट, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। ये देखिए, इसमें मैं करने लगी हूँ इसको। इसको आप ऐसे पहले बंद करेंगे, और ये देखिए, ये है एक प्लांट जो जिसको थोड़ा पॉट छोटा हो गया था, तो मैंने सोचा ये थोड़ा बड़े में कर दूं शिफ्ट। इसमें नॉर्मल आप मिट्टी डालेंगे, इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए होता, और इसको आप इस तरह से इसके ऊपर आप रखेंगे। यहाँ देखिए, बिल्कुल इसका कोडेक्स ऊपर रखेंगे, और तब आप इसमें इस तरह चारों तरफ से मिट्टी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट इस तरह से इसका कोडेक्स ऊपर, तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये आप इसके पत्तों को इस तरह से ऊपर पकड़ के उनको कट भी कर सकते हैं, ताकि ये और खूबसूरत दिखाई दे। ये देखिए, अब मेरे पास एक और पुराना प्लांट है जो कि कम से कम 15-20 साल पुराना है। देखिए ये दोस्तों, ये इसको एलिफेंट फुट भी कहते हैं, शायद इसके बनावट की वजह से। और ये देखिए, बिल्कुल इसकी शेप, इसका कोडेक्स सुराही जैसा लगता है। ये देखिए, इसको मैंने अभी रिपॉट किया है, तभी ये थोड़ा सा शायद उदास सा लग रहा है। अब इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, और आप इसको इंडोर भी आप इसको इस तरह से इसमें डाल के, ये देखिए, इंडोर भी रख सकते हैं इसको। और ये देखिए, एक इस तरह से डाल के आप इसको अंदर भी पॉट को सजा सकते हैं। इसको कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो ये एक महीना तक भी बिना पानी के रह सकता है। ये अंदर भी रह सकता है, और ये आउटडोर में भी, आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इसमें से और ब्रांचेस भी नीचे से, नए प्लांट्स भी नीचे से निकलते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी कुछ काम की लगी होगी और आप भी ये प्लांट लाएंगे और अपने घर को सजाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।